अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैर वाफिया से होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं 2023 सीज़न में आपको लाजमी पसंद आ रही होंगी। आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल ना कहने पर भी आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और मुझे यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट इस बार जो है प्रोवाइड करूँ। तो ये जो कनू बिल डक है जिसको मैं मग बोल रहा हूँ, ये हमने शिकार किया था लास्ट सीन गुजरे हुए सीज़न में, ठीक है, जाती मुर्गाबी में से, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी हमने कुछ 19 अक्टूबर वाली मुर्गाबी भी जो है ना वो इसमें मारने की कोशिश की थी जो कि हमसे मिस हो गई थी। उसका ये रीजन था कि रेंज फाइंडर ने मुझे रेंज काफी ज्यादा बता दी थी। आगे मैं जब वो क्लिप ऐड करूंगा उसमें मजीद आपको मैं डिटेल से बताऊंगा क्या क्या वजूहत बनी, ठीक है। तो बाकी जो है ना आप वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये हम काम अच्छा करें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। वीडियो को वॉच करें। अल्लाह हाफिज। आगे जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। टीलों का एक फ्लोक मिला है, इंशाल्लाह करते हैं कोशिश शिकार करने की। यहाँ पर ही आके बैठा है, अब वो सामने बैठा हुआ है जी, सामने मिल गया है। अल्लाह हैर करेगा इंशाल्लाह। बैठा वहां और नहीं हिल रहा यार मैं। अब ना मैं यहाँ पे रेंज लगाने बैठ जाता हूँ, जब मैं रेंज फाइंडर से रेंज चेक करता हूँ जनाब, मुझे रेंज फाइंडर रेंज बताता है 70 यार्ड। कैसे बताता है? वो सामने नड़ू है। मैंने ना अब चावल की फसल में मुर्गाबी बैठी हुई थी टील, तो मैंने उसको मतलब रेंज से मेयरमेंट किया, मगर मेरा रेंज फाइंडर रेंज ना बताया। मैंने बार बार मतलब टिक 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 किया तो वो जाके अगर नड़ू था, नड़ू में जाके रेंज लग गई, जिसकी वजह से वो 70 यार्ड नड़ू का था मतलब रेंज। मुर्गाबी मेरे करीब थी ज़्यादा, तकरीबन 60-62 के राउंड अबाउट। मैंने मिल डाड ऊपर उठा दिया, गन की बैरल ऊपर चले गई और जिसकी वजह से मुर्गाबी मिस हो गई। और इतनी ज़्यादा वहाँ से मुर्गाबी उड़ी है, 22-23 तो पहले आकर उड़ के बैठी हैं वहाँ पे, बाकी जब बाद में जो उड़ी हैं वो देखने वाला मोमेंट था मेरे लिए, क्या क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एवर इतनी ज़्यादा मुर्गाबी अपने देखी थी, ठीक है। मगर ये हमने मिल ना सकी अनफॉर्चुनेटली। अब रेंज कन्फर्म हो चुकी है, अब मैं बैठ गया हूँ निशाने के लिए। तो देखें आप वीडियो।
ये जी मुर्गाबियों का फ्लोक चेक करो आप, सारी टीले हैं जी। लो जी हम अच्छी तरह से ना ऐसे इलाके में जलील हो गए तो आ गए हैं अब अपनी मोटरसाइकिल तक। ठीक है अब लेट्स सी चलते हैं आगे क्या बनता है। पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है अगो मैं कदरा दी गल भाई। ठीक है तो सुबह इतना बड़ा फ्लॉग डाया, अब जाते ही एक उड़ गई। ठीक है फिर दो उड़ गई, क्या करे बंदा यार यहाँ पे। ठीक है वैसे बाकी बहुत ज़्यादा परिंदे हैं, मुर्गाबियाँ जो हाथ से निकल रही हैं ना ये सिर्फ दुख का समा बना हुआ मेरे लिए। चलो चलते हैं अपने पॉइंट तक, वो सामने से भैया कूड़ा है। ये जी यहाँ पर अमेरिकन कूट मिली है हमें सुबह सुबह ही तकरीबन 40 यार्ड पे इस वक्त। ये जिसको ऊपर से निकल रहा है सेकंड शॉट प्ले करते हैं इंशाल्लाह डेड शॉट हूँ 50 दिया। डेड शॉट ये खुद ही जाएगी जी बाहर को और हम इसको रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं ये नहीं चलने वाली भाई जी, इसका तो काम हो गया ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो मिला है। हेलो इन खाओ इस बिच गंद देखो गंद बिच रखो सारी कूड़ मारो कूड़ मारो। यहाँ पर जी ये देख सकते हैं माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने पहले ये वाला डक हंट किया है। इंशाल्लाह इसकी थोड़ी बहुत रिसर्च करके विकीपीडिया से आपको बता दूंगा कि ये कौन सी नस्ल है, अगर आपको भी पता हो तो आप भी बता देना। और अमेरिकन कूट पूरे के पूरे जो जी 80 यार्ड से मारा हवा में, ये देख सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 शॉट्स में हमने जो है ना इनका काम भी कर दिया और बाहर भी ले आए। कूट ने तंग किया सानू बस दो छरे बस चार मारे ने। हाँ। क्योंकि वो ये काफी अच्छे साइज में और तो नेक्स्ट शॉट लगा ना इसको ये देख ली साइड तो शरा निकल भी गया है साइड को। हाँ। चंगा तगड़ा माशाल्लाह।